उत्तर प्रदेश के बदायूं में बीते साल 25 नवंबर को एक चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में डुबो दिया गया था। इससे चूहे की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस केस में आरोपी के खिलाफ 30 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। ये देश का पहला मामला है जिसमें चूहे की मौत मामले में किसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। ये पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला पनवड़िया का है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मनोज ने 25 नवंबर 2022 को अपने घर में घुसे एक चूहे को पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पूंछ में पत्थर बांधकर और फिर उसे नाले में फेंक दिया गया। मनोज के खिलाफ पशु प्रेमी विकेंद्र ने केस दर्ज कराया था। ये केस पशु क्रूरता अधिनियम और धारा 429 के तहत दर्ज किया गया था। बाद में बरेली के इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चूहे का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें दम घुटने से चूहे की मौत का कारण सामने आया था। इस केस में आरोपी मनोज को जमानत मिल गई थी। तब उसने कहा था कि बाजार में चूहा मारने की दवा बिकती है, इस तरह तो उन सभी पर केस होना चाहिए जो दवा बेचते हैं या जो खरीदते हैं। मुर्गा और बकरा भी काटा जाता है, उन्हें सजा कब मिलेगी? मनोज ने कहा था कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है, अगर हुआ है तो वो उसके लिए माफी मांगता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।